नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आया हूँ बनारस के घाटों पर, क्योंकि आज पितृ विसर्जन है, जिसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में भीड़ है। जिन लोगों के माता पिता की डेथ हो जाती है तो वो लोग श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए घाटों पर आज के दिन आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत भीड़ है। और ये है गंगा नदी, जो कि पानी भी बढ़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये जो घाट है ये दशाश्वमेध घाट है और काफ़ी फेमस घाट है। यहाँ की जो गंगा आरती होती है वो काफ़ी मनोरम लगता है और पूरे विश्व भर में यहाँ की गंगा आरती प्रसिद्ध है। तो कोरोना की वजह से भी लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए हुए हैं पितृ विसर्जन के दिन, और आज लास्ट दिन है। तो देख सकते हैं ये घाटों पर मिट्टी भी आ चुका है, क्योंकि पानी बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिट्टी का कटान होता है पत्थर के ऊपर भी आ चुका है यहाँ पर। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। गंगा में जो नाव भी चलती थी, नाव भी इस वक्त एक भी नहीं चल रहा है, देख सकते हैं पानी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से सारे नाव किनारे पर खड़े कर दिए गए हैं। और ये देख सकते हैं ये एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है। हालांकि बनारस के घाटों पर आपको हर चीज़ प्राचीन ही मिलेगा, उन्हीं में से एक आप देख सकते हैं ये मंदिर है, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है देखने में। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं आज के दिन पितृ विसर्जन के दिन। और तरह तरह के लोग यहाँ पर आते हैं अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए, क्योंकि आज के दिन इन लोगों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।